नेश अर्थात नॉन एल्कोहलिक स्टिटोहेपेटाइटिस ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे संसार में आज लीवर को खराब करने की सबसे मुख्य कारण है। नेश अर्थात नॉन एल्कोहलिक स्टिटोहेपेटाइटिस वह अवस्था है जिसमें लीवर मोटापे या डायबिटीज, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल जिसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं उसकी वजह से खराब होता है। आज हमारे खानपान की वजह से, हमारे रहन सहन की वजह से, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से मोटापा बढ़ता जा रहा है। मोटापे की वजह से शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं और उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वह है लीवर पे इसका इम्पेक्ट आता है। लीवर में फैट डिपॉजिट होने लगता है जिसे फैटी लीवर कहते हैं। जब लीवर में बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है तो उसे हम फैटी लीवर कहते हैं। ये फैटी लीवर आगे जाकर नॉन एल्कोहलिक स्टिटोहेपेटाइटिस में कन्वर्ट होता है, यानी कि लीवर में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, सूजन आने लगती है। जब ये लीवर फर्दर डैमेज होता है तो इसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, लीवर हार्ड होने लगता है, उसमें फाइबर्स बनने लगते हैं और अल्टीमेटली लीवर सेल्स मरने लगती हैं, जिसे हम सिरोसिस कहते हैं और लीवर की वह स्थिति कहते हैं जिसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। आगे चलकर यही सिरोटिक पेशेंट्स में पेट में पानी आ जाता है, पीलिया होता है, खून की उल्टी आती है, तो ये इतने सिक हो जाते हैं कि इनको बिना लीवर ट्रांसप्लांटेशन के बचाना कई बार मुश्किल होता है। और साथ में लीवर सिरोसिस जो है लीवर कैंसर का भी जनक है, यानी कि ये लीवर सिरोसिस आगे जाकर कुछ लोगों में लीवर कैंसर बना सकता है। कहने का मतलब यह है कि एक साधारण सा मोटापा, अगर आपका वजन ज़्यादा है, अगर आपको डायबिटीज है, तो आपका जो ओवरवेट होना है एक लंबे टाइम तक, ये आपको न सिर्फ लीवर की साधारण सी बीमारी दे सकता है फैटी लीवर, बल्कि बहुत गंभीर बीमारी यानी लीवर कैंसर तक दे सकता है। मोटापे से ना सिर्फ लीवर पे इफेक्ट आता है, आपको हार्ट डिजीज होते हैं, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, घुटने में दर्द होने लगता है, आपको कमर में दर्द होने लगता है, बहुत सारे कैंसर्स मोटापे की वजह से होते हैं। और आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल ये सब आपस में मिक्स है, एक मोटापे की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज नेश दिवस पे मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि हम अपना खान पान दुरुस्त रखें, अपने वजन को नियंत्रित रखें, खाने में फैट को हम दूर रखें, प्रोटीन पर ज़्यादा फोकस करें, एक बैलेंस डाइट लें और रोज हम एक्सरसाइज करें। यह बहुत जरूरी है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अगर हम अपने आप का वजन नियंत्रित कर सकते हैं, अगर अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, तो हमारे बाकी ऑर्गन्स भी हेल्दी रहेंगे, हमारे लीवर में भी फैट नहीं आएगा, लीवर कैंसर और सिरोसिस जैसी बीमारियों से हम बच पाएंगे। एल्कोहल और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज विश्व में इतनी तेजी से बढ़ रही है और अब तो एल्कोहल से भी ज़्यादा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज बढ़ रही है। आइए आज के दिन हम ये प्रण करें कि हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, अब और रोज एक्सरसाइज करेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे और अपने लीवर को हेल्दी रखेंगे, क्योंकि दोस्तों लीवर सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर लीवर नहीं काम करेगा तो हमारे बाकी के ऑर्गन्स, किडनी, हार्ट, लंग्स सब पे इफेक्ट आएगा। थैंक यू।